नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में यातायात नियमों का पालन न करने के कारण नहीं थम रही है एक्सीडेंट की घटनाएं। एक्सीडेंट की बढ़ती घटनाओं को लेकर आए दिन अनेकों लोग घायल हो रहे हैं एवं विगत दिनों कुछ स्थानीय लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उमरिया जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ददरोरी रोड पर ग्राम सरसवाही निवासी फॉरेस्ट कर्मी बाइक में सवार होकर अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर में गए हुए थे, लेकिन घर वापस लौटते समय उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां एक्सीडेंट के दौरान फॉरेस्ट कर्मी श्याम सुंदर द्विवेदी की मौत हो गई एवं उनका पुत्र घायल हो गया, जहां 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल बच्चे को जिला हॉस्पिटल लाया गया एवं उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में ड्यूटी डॉक्टर पीएम कार्रवाई के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है एवं मामले की विवेचना जारी है। गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न होने के कारण जिले में एक्सीडेंट की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जहां विगत दिनों अनेकों लोगों की मौत हो चुकी है एवं कई लोग घायल अवस्था के दौरान हॉस्पिटल में उपचाररत हैं, जहां सड़क हादसों में इजाफा होने के कारण जिलेवासियों के मन में चिंता एवं भय का विषय बना हुआ है। पेशे उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मल्लम पर भी करवाया वहाँ से वापसी में आया और मुझे सूचना मिली कि तुम्हारा भतीजा जो है एक्सीडेंट हो गया। मैं आया था तो उसको मुँह नहीं बोल रहा था, इस पोजिशन में पाया, इसी पोजिशन में लेके जिला अस्पताल तक पहुँचा। 7 बजे जंगल वाले ने पूरा अपना सहयोग मेरे साथ मेरे भतीजे के साथ पूरा किए। अभी भी अस्पताल में हूँ, जंगल वाले पूरा सहयोग दे रहे हैं। सर, हम तो सरसवाई के पास जो दुर्घटना हुई जिसमें पंडित के स्वास्थ्यवास हो गए, उनकी प्रार्थना के लिए शांति की प्रार्थना करते हुए उनके पुत्र की उत्तम स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए मैं परमात्मा से विनती करती हूँ। रहा दो दुर्घटनाओं का तो इसके कई कारण हैं। एक तो इस समय बरसात का मौसम, सड़कें फिसलती हैं, रफ्तार में काबू होना चाहिए। और इस मामले में, सरसवाई वाले मामले में तो मेरा ये कहना है कि रोड का रख रखाव जो है वो भरी भांति नहीं है और वहाँ मिट्टी फिसलने से या कि ओवर ट्रैक ओवर करने से ये घटनाएं होती हैं। करें तो कम से कम अपनी सुरक्षा स्वयं कर। कई बार हम सुरक्षित रहते हैं लेकिन सामने वाला सुरक्षित हो जाता है, वो तेज रफ्तार से आता है। तो और परिवहन जो है, सड़क में पीडब्ल्यूडी भी था, उसका तो माशाल्लाह कोई करने लायक ही इसलिए नहीं है कि सड़कें कब बनती हैं और 6 महीने में फिर वो उधर जाती है, वैसे गड्ढे नजर आते हैं, कॉर्नर बनाते नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे सीमेंट सीसी रोड डाला, सीधे सीधे पट्टी डाल दी, उसके काला मानपुर रोड में देखते हैं कि यहाँ से वहाँ तक सीसी रोड है लेकिन बगल का जो है कॉर्नर का रख रखाव नहीं। थोड़ा भी यदि वाहन इधर उधर होता है सीधे वो कम से कम 2 फीट नीचे जाता है विभाग से पीडब्ल्यूडी से, कि कम से कम जो है ऐसी व्यवस्था बनाए तो ये दुर्घटनाओं का दौर कम हो। एक्सीडेंट की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये भी एक बड़ी दुखद और अप्रिय घटनाएँ हैं। केवल इसमें इतनी जो घटना हो रही है, घटनाओं में यही संदेश से समझ में आ रहा है कि लोग बाग यातायात नियमों का पालन नहीं सही कर रहे हैं, तेज गति से वाहनों को लेकर चल रहे हैं, नशा की वस्तुओं को सेवन कर रहे हैं, नशा काल में वाहनों को चला रहे हैं और किसी कार्य को समय से नहीं निकलने पर अतिशीघ्रता के साथ चलने के कारण में ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी एक एक्सीडेंट हुआ बरतराई के पार्क विभाग में सर्विस करने वाले ब्राह्मण का, जिसमें पिता पुत्र दोनों आ रहे थे और अचानक उनका कहीं एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण पिता की मृत्यु हो गई है, पुत्र का उपचार चल रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमारी तरफ से भी परमात्मा से निवेदन रहेगा कि सब सुख शांति से रहें, उनका बालक बहुत जल्दी स्वस्थ हो, यही हमारा आशीर्वाद। यातायात नियमों का पालन न होने से आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती हैं, इसमें आए दिन लोग इंजोर्ड हो रहे हैं, इंजोर्ड होकर बाद अस्पताल पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ अभी एक बरतराई भी घटना घटित हुई, ये भी यातायात नियमों का पालन न करने की वजह से ही हुई है। अगर यातायात नियमों का विधिवत पालन किया जाए, यातायात के नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाया जाए और यातायात पालन करने के लिए सामाजिक रूप से
और सामाजिक रूप से व्यवस्था के तहत और इसको यातायात के नियमों को पालन करने के लिए बाध्य किया जाए और साथ ही साथ न करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जाए, तभी इन इस तरह की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। और हम अपेक्षा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो बर्तराई के पंडित जी की जो दुर्घटना हुई उनको और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, भगवान की मृत आत्मा को शांति प्राप्त। बहुत दुखद है, टू व्हीलर्स में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत सारी जाने जा रही लगातार हो रहे हैं, और उसकी मूल वजह ये है कि यातायात के नियमों का प्रॉपर पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग तो अवेयर ही नहीं है यातायात के नियमों से और कुछ लोग जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यातायात पुलिस को संजीदगी के साथ अपना काम करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना, लोगों को बाध्य करना कि यातायात के नियमों का पालन करें, उसके लिए उनको ज़रूरत पड़े तो चालानी की कार्रवाई करनी चाहिए, एजुकेशन के लिए अभियान चलाने चाहिए। और दूसरा ये है कि जो लोग शराब पी करके नशा करके वाहन चलाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी अभी जिला चिकित्सालय उमरिया में वन विभाग के उड़न दस्ते के द्वारा एक लगभग 40 वर्ष के पुरुष एवं एक उसके बालक को जो लगभग 12 से 13 वर्ष का है वो जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया था। जो 40 वर्ष का पुरुष था वह मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय उमरिया में लाया गया है, जिसकी की सूचना चौकी प्रभारी पुलिस सहायता केंद्र उमरिया को दे दी गई है एवं लड़के का प्राथमिक उपचार करके उसे जिला चिकित्सालय उमरिया में भर्ती किया गया। प्रसिद्ध धमकर अंतर्गत काम करता हूँ और मेरे अंतर्गत ये श्याम सुंदर द्विवेदी सुरक्षा श्रमिक के रूप में कार्य करता है। ये क्या हुआ है, अपने घर से अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए ददरौड़ी आए हुए और ददरौड़ी से जब वापस जा रहे थे तो बीच रास्ते में ददरौड़ी और बरतराई बीच में गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में जाके गिर गई। इनको मतलब हमको जैसे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे क्या कहते हैं मतलब गिर गए, तो हम जल्दी से अपने आनंद फानंद में उस जगह पहुँचे, जाके देखा, देखने के बाद तुरंत अपने विभाग को सूचना दी, अपने विभाग से गाड़ी मंगवाई, अपने साहब को भी सूचना दी रेंजर साहब को और 100 भी डाल दिए। हमारे पास क्षेत्र अधिकारी श्री विजय शंकर श्रीवास्तव जी साहब के द्वारा शासकीय वाहन स्थल पर पहुँचाया गया। इसे बरतराई में कोई श्याम सुंदर द्विवेदी हैं तो वो अपनी मोटरसाइकिल से अपने बच्चे की दवाई ववाई करा के लौट रहे थे, तो कहीं पे अनियंत्रित होके उनकी गाड़ी रोड के नीचे चली गई खेत में और उनको गंभीर चोट लगी है, जिससे उनको काफ़ी चोट आने के कारण अस्पताल ला रहे थे, जो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। अब पंचनामा पीएम कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जा रही है। लोगों को फॉरेस्ट की गाड़ी से जंगल विभाग की मतलब शासकीय गाड़ी से यहां अस्पताल लाया गया है और बच्चे की भी दवाई यहां चल रही है।